वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग गाइस। मुझे पता है कि काफ़ी दिन बाद हम ये वीडियो बना रहे हैं, ब्लॉग में रिटर्न आए, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि हमारे घर पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। एक छोटी सी झलक मैं आपको दे देता हूँ, ये काम हुआ है। फिर आज जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूँ और पता नहीं मुझे कि मैंने ये चीज़ सही करी या नहीं करी, क्योंकि जब से मैंने इन चीज़ों को ख़रीदा है तब से मैंने इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं किया है। अब मुझे लग रहा है कि मेरा जो फ़ोन है वही सफिशियंट है वीडियो निकालने के लिए या फ़ोटो बनाने के लिए, जैसा भी जो है। बट मैंने अब वो होता है ना कि आपके पास जो चीज़ नहीं होती वो फिर आपको चाहिए होती है, फिर जब आपके पास हो जाती तो फिर आपको उसकी ज़रूरत ना भी हो। तो मैंने एक चीज़ सीखी है यहाँ से कि भाई जिस चीज़ की ज़रूरत ना हो शायद उसे नहीं लेना चाहिए। फिर अगर आपको उसको इस्तेमाल करना है या उसको एक्सपीरियंस करना है तो पहले आप रेंट पे कर लीजिए, उसके बाद आप उसको जाके परचेस करिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि लेने के बाद ऐसा होता है कि नहीं, मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए थी। तो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको एक एक चीज़ दिखाता हूँ कि क्या है, क्या मैंने ख़रीदा है, कैसे लिया है, क्या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाऊँगा कि कौन सा दिखाऊँ, पहले छोटा वाला दिखाऊँ या बड़ा वाला दिखाऊँ। सबसे पहले मैं आपको छोटा वाला दिखाता हूँ। तो ये है वो मॉडल GoPro, जो GoPro 9 है, जो मुझे शायद 29-30 हज़ार रुपये का पड़ा है। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है कितने का है। तो जब से मैंने इसे लिया है कि बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल नहीं किया है, पर फिर भी शायद मैंने इसको थोड़ा बहुत इस्तेमाल किया है। तो सबसे पहले मैंने यही लिया है और एक्चुअली इसको लेने के बाद मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि अब मैं व्लॉग बनाऊँगा, वीडियो निकालूंगा, मेरे को मेरा फ़ोन पकड़ना नहीं पड़ेगा ये। बट सब गड़बड़ हो गया क्योंकि मुझे ये लेने के बाद जिसकी जो क्वालिटी, इसका जो परफॉर्मेंस है वो उतना समझ में नहीं आया कि वो टाइम ये कैसे काम करता है क्या नहीं। मतलब यू नो, आप बोल सकते हो कि पता नहीं था, हमने ख़रीद लिया, ठीक है। ख़रीदने के बाद अब सीन कुछ ऐसा है कि 2-3 दिन चलाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये अब तो दिमाग नहीं है, इससे अच्छा तो मेरा आईफोन है जो मेरे को अच्छी खासी क्वालिटी देता है। बट भाई है ना कि सुई का काम तलवार नहीं कर सकती, तलवार का काम सुई नहीं करती, तो मेरे से वो गलती हो गई। तो मैंने इसकी परफॉर्मेंस को जज किया और मैंने इसकी जो प्रीव्यू क्वालिटी होती है ना, प्रीव्यू मोबाइल में आप देख सकते हो, एप्लीकेशन में प्रीव्यू क्वालिटी देखी बिना डाउनलोड किए वीडियो की, तो वो लो क्वालिटी में होती है, जिस पे आपका रिकॉर्ड हुआ है उससे लो क्वालिटी में प्रीव्यू दिखाता है। तो मैंने वो देख के ये सोचा कि नहीं भाई, ये चीज़ तो मुझे नहीं चाहिए थी और मैं इसको रिटर्न कर नहीं सकता था क्योंकि मैंने इसको अमेजोन से ऑनलाइन मंगाया। बट बिलीव मी, इसका परफॉर्मेंस जिस चीज़ के लिए बना है वो अप टू द मार्क है और इसको अभी ज़्यादा मैंने यूज़ नहीं किया, बट जितना मेरे को समझ में आया इसकी इसकी जो इसका जो यूज़ है वो अलग है। और अगर आप वही कहते ना कि आपके पास अगर यही एक ऑप्शन होता तो आप इसमें भी खुश होते, बट वही है कि आपके पास ऑप्शन हो गया तो आपको लग रहा है कि इसके साथ मेरे को मेमोरी कार्ड नहीं मिली थी तो मेमोरी कार्ड मुझे अलग से लेना पड़ा। इसके साथ मुझे सिर्फ ये पॉन्ड मिला था और एक बैटरी मिली थी और ये वो डब्बा है जिस डब्बे में ये आया था। इस डब्बे में एक बैग है, ये एक्स्ट्रा बैटरी, ये मुझे एक्स्ट्रा बैटरी मिली थी जो कि 3,000 रुपये की इसकी एम आर पी है, मतलब लूटने के लिए मैं ही मिला हूँ। और ये इसका बैग है, ये GoPro 9, और मैं अभी देख लेता हूँ इसके बैग में है क्या, इतने दिन तक मैंने भी नहीं देखा था तो कुछ है नहीं भाई, देखते हैं। ये पुस्तक, तो इसमें कुछ है नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें सिर्फ ये पुस्तक है, ये पुस्तक है और ये ऐसे इस तरह का जैसे कि अंडे की ट्रे हो ऐसा ये बॉक्स है। तो चार्जर तो फिलहाल मेरे को ज़रूरत है नहीं तो मैं इसको रख देता हूँ। और इसमें कुछ लिखा हुआ भी है, सब्सक्राइब करें GoPro को। तो ये काफ़ी हाई क्वालिटी बिल्ड क्वालिटी इसकी अच्छी है डब्बे की। अब मम्मी इसको इस्तेमाल कर लेगी मुझे लगता है इसमें, या तो वो अपने ब्रश मंजन रखेगी अगर उनको मिल गया, या तो इसमें मुझे लगता है कि बढ़िया से
पिटी बैंक चिल्लर चिल्लर उल्लर बचा कर इसमें रखेंगे। अभी ये मम्मी की ओर दिखा नहीं है। तो खैर ये था मेरा एक परचेस जिसका चूना मुझे लग गया। मैं यही कहूँगा कि चूना इसलिए लग गया कि मुझे शायद इसकी ज़रूरत है नहीं जहाँ तक मुझे लग रहा है, लेकिन मैंने इसको लिया है और मैं इसको धीरे धीरे समझ पाऊँगा कि इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं और इसका क्या यूज़ है। और पर अभी तो फ़िलहाल चूना लगी है। खैर तो ये था मेरा एक पहला परचेस। और इसके इसको परचेस करने के 10 दिन बाद या शायद 6-7 दिन बाद मुझे लगा कि इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो मैंने एक दूसरा कैमरा ऑर्डर कर लिया। अब आप देखो रईसी देख लो इसको रईसी नहीं इस बेवकूफ़ी कहते हैं। तो मैंने एक दूसरा कैमरा ऑर्डर कर लिया और जिसको मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये तो आपने देख ही लिया ये GoPro, और ये रहा वो मेरा दूसरा कैमरा सोनी ZV-E10। तो परफॉर्मेंस वाइज अभी तक मुझे इसका इस्तेमाल करना समझ में नहीं आया कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है और मतलब मैंने क्यों लिया इसको। बेसिकली इस्तेमाल तो समझ में आ गया मोटा मोटा, बट मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि मैंने इसको क्यों लिया। मेरे को ब्लॉग बनाना है या फिर मेरे को वीडियो बनाना है तो मेरा आईफोन काफ़ी है, मेरे को अब ऐसा लग रहा है इन चीज़, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी हैवी हैं हैंडल करने के लिए। और प्रोफेशनली जब मैं कुछ वीडियो या जो भी चीज़ें शूट कर रहा हूँ या फिर शायद मुझे कैमरा चलाना आता नहीं है, 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। तो अब मुझे नहीं पता, अब इसकी बिल्ड क्वालिटी तो अच्छी है, मतलब जो भी इसमें है बढ़िया है, बट पता नहीं क्यों सेटिस्फाई नहीं होता। और ये जो देख रहे हो आप चूहे के बाल के जैसा, ये माइक कवर है, यहाँ पे माइक लगा हुआ है, इस ये अलग से मिला था। और मैं इसका डब्बा दिखा देता हूँ, ये इतने बड़े डब्बे में आया था, उसके अंदर ये डब्बा था। तो ये दिख रहा है आपको सोनी, उल्टा दिख रहा है, अच्छा सीधा सीधा नहीं दिख रहा, सीधा कैसे दिखेगा। और इस डब्बे के अंदर पता नहीं क्या क्या था, वैसे फ़िलहाल तो इसके अंदर कुछ नहीं है, ये खाली है, इसका सारा सामान हमने निकाल लिया है। इसमें मुझे मेमोरी कार्ड मिला था और मुझे ये बैग था। इस बैग के अंदर स्पेस है, इसमें मैंने चार्जर रखा हुआ है और आगे भी एक चैन है, इसमें भी मैंने चार्जर रख लिया है, मेरे आईफोन का चार्जर है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भाई वो आपके पास आ जाता है ना तो आप बकरा बन जाते हो। और फिलहाल ये जो है मुझे पड़ा शायद 62,000 या 64,000 रुपए का, एग्जैक्टली मुझे इसका भी याद नहीं है, तो मोटा मोटी आप समझ लो कि 1,00,000 रुपए का चूना लग गया है मुझे। और अब मैं उस चूने को लेके घूम रहा हूँ और इसका मैं कुछ कर भी नहीं सकता। ये सारा पड़ा हुआ है आप देख सकते हैं, ये मेरा कैमरा, वैसे ये मेरा गैजेट है जिससे मैं काम करता हूँ। और मेरे को ये समझना है कि मेरे 285-86 सब्सक्राइबर हैं, तो अगर आप मेरी वीडियो देखते हो यार तो एक बात बताओ, चुपचाप से क्यों देख लेते हो, एक बार कमेंट कर दिया करो। ठीक है यार, 285 में से मैं देखता हूँ कि व्यू आते हैं 50-60-70-80-100, तो 100 लोग अगर ये वीडियो देखते हैं तो कुछ कमेंट कर सकते हो आप, लाइक कर सकते हो वीडियो को, और एक उभरते हुए यूट्यूबर का हौसला अफजाई करना आपकी पूरी जिम्मेदारी है और आपको ये ज़रूर करना चाहिए। तो और यहाँ पे फ़िलहाल लाइटिंग कंडीशंस बहुत ख़राब है, अब जो भी है यही है और मुझे यही तरीके से वीडियो बनाना, आज कोई ब्लॉग नहीं होगा, बाहर नहीं जाएंगे, बस वीडियो को यहीं करते हैं। इन आपको ये बताना है कि आपको ये वीडियो इसमें कैसी लगी वो बताने वाली कोई बात नहीं है, पर फिर भी आपको अगर कमेंट करना है तो आप बताना। और आप ये बताइए कि मेरा जो परचेस है वो वर्थ आपको लग रहा है या नहीं, अगर आप प्रोफेशनली इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, आप ये काम करते हैं या फिर आपको कुछ भी आइडिया है इन कैमरास को कैसे हैंडल करना है, तो आप मुझे एक बार ज़रूर बताएं कमेंट करके या जैसे भी आप बता सकते हैं, वीडियो को लाइक करें। और अगली वीडियो पे आप क्या चाहते हैं सजेस्ट करें कि क्या चीज़ पे मैं वीडियो बनाऊं, क्योंकि यार आखिरकार मेरा भी दिमाग है तो मेरे को भी सोचना पड़ता है, और अगर एक बंदा कोई छोटी सी टिप भी दे देता है तो ठीक है चलो फिर यही बना लेते हैं।
तो खैर मिलते हैं अगले वीडियो में, पता नहीं कितने जल्दी आएगी, क्या होगा कैसे होगा, बट फिर भी आप लोगों को करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब कुछ करें, जो मन करता है वो करें, फिर सारा प्यार दें। और अब मैं नेक्स्ट चीज़ क्या लेने वाला हूँ, मैं कुछ नहीं लेने वाला हूँ भाई, मेरे पास पैसे वैसे है नहीं, ख़त्म हो गए सब। अब इन चीज़ों को मैं 4 साल चलाऊँगा और मेरा फ़ोन, बस अब कुछ नहीं ले सकता मैं।